एक तो ये कॉलेज में 3 बतख है 15,000 रुपए की, पेड प्रमोशन नहीं, पेड प्रमोशन की बात ही क्या है, घटिया ये भी, ठीक है। सो मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया यार। अच्छा मुझे बता कि तेरे को कॉलेज कैसा लगता है? कॉलेज में अच्छा ही क्या है, तेरे को क्या अच्छा लगता है? कट, कॉलेज में कुछ नहीं है भाई। हेलो, हाय, हेलो, नमस्ते आदाब, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज अनमोल खान। As you guys already know, because यार मेरे चैनल पे अब तक जो मेरे फ्रेंड्स देखते हैं ना, मतलब जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो अब तक मेरे फ्रेंड्स ही हैं, बट स्टिल मैं आके हेलो नमस्ते आदाब दिस इज तन्वा माथान करता हूँ। बट या दिस पर्टिकुलर वीडियो इज अबाउट दोन बिजनेस स्कूल्स रिव्यू, एंड नाउ दैट आई स्पेंड अराउंड थ्री एंड हाफ मंथ्स मुझे यहाँ हो गए। सो इतने टाइम में मुझे DBS के बारे में क्या लगा, एंड आई थॉट कि ये सही टाइम होगा, बिकॉज थ्री एंड हाफ मंथ्स के अराउंड में बंद करी, लोग एडजस्ट हो जाते हैं कॉलेज में, उनको पता चल जाता है कि कॉलेज में क्या है कैसा है, एंड इनिशियल जो वन एंड हाफ मंथ्स होता है वो तो हनीमून फेज होता है। सो यू आर जस्ट गेट टू नो पीपल, एंड एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा रश होता है कॉलेज में, तो बहुत ज़्यादा हैपनिंग होता है कॉलेज। बट अब जाके जब थोड़ी मोनोटोनस हुई है लाइफ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सो जब अब जाके इतना पता चला है कॉलेज के बारे में, तो मुझे सही लगा कि एक तो ये कॉलेज में 3 बतख है 15,000 रुपए की, पूरा दिन उनका चैचा चैचा चलता रहता है, और पूरे वीडियो में अभी वो भी चैचा चैचा करेगी, 45,000, और मुझे और कोई जगह भी नहीं मिली। सो हाँ, फर्स्ट ड्रॉबैक, इनकी बतख पूरा दिन चैचा चैचा करती है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे डाउनसाइड्स भी है, बहुत सारे अपसाइड्स भी है DBS के, बट मैं तुमको बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा जो मेरे हिसाब से लगेगा मुझे कि अब तक कैसा रहा है मेरा जर्नी, कैसा रहा है मेरा कॉलेज लाइफ। सो स्टार्टिंग विद द कॉलेज इटसेल्फ, कि ये कॉलेज का लोकेशन जो है वो देहरादून में नहीं है, इट इज़ इन सिलाकुई, अराउंड 22 किलोमीटर्स दूर है। आई विल शो यू, सी, ये कॉलेज अराउंड 23 किलोमीटर्स दूर है, ठीक है, देहरादून टू दून बिजनेस स्कूल। सो इतना दूर है ये, सो इफ़ यू थिंक कि यहाँ पे भी देहरादून जैसा वाइब होने वाला है, देहरादून जैसी सिटी लाइफ होने वाली है, नो। सो ये एक जगह है सिलाकुई, जो एक विलेज है जहाँ पे ये लोकेटेड है, फार्मास्यूटिकल, बेसिकली इसको हब कहते हैं, सॉरी, इसको फार्मास्यूटिकल हब कहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, उसके बाद लोग जो यहाँ पे काम करते हैं, दे आर मोस्ट प्रॉब्ली वर्कर्स, एंड जो लोअर क्लास लोग होते हैं, दोज पीपल आर ज़्यादा यहाँ पे, बिकॉज ऑफकोर्स इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है जो फैक्ट्रीज एंड इसमें काम करती है, सो कंसिडर दैट एज वेल, बिकॉज जिस तरीके के एनवायरमेंट में तुम रहने वाले हो, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो या लोकेशन सिलाकुई है, यहाँ पे तुमको स्टारबक्स नहीं मिलने वाला, यहाँ पे मैकडोनल्ड्स नहीं है, KFC नहीं है, डोमिनोज नहीं है, नथिंग, नो ब्रांड्स, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुमको लगेगा कि मल्टीनेशनल्स नहीं है, ब्रांड्स अच्छे नहीं है। तो शॉपिंग वगैरह करने के लिए हमें यहाँ से देहरादून जाना पड़ता है, सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, विच इज़ अराउंड 23 किलोमीटर्स का, एक दिन स्कूटी रेंट लगता है 600 रुपीज़, 500 रुपीज़, सो यू हैव टू फैक्टर इन दैट कि यहाँ पे ट्रैवलिंग का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉलेज पे बात करूँ तो कॉलेज का कैंपस, मुझे पर्सनली मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगा, बट बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत फेस हुई है कि कॉलेज का कैंपस उनको बहुत ज़्यादा छोटा लगता है। सो बिकॉज ये लोग जहाँ और जो सिटीज़ या कॉलेजेस से आते हैं वो बहुत बड़ी है, वो कॉलेजेस का ग्राउंड ये कॉलेज से बड़ा है, मतलब उन स्कूल का ग्राउंड इन कॉलेज से बड़ा है, तो मुझे बहुत बार ये कंप्लेन सुनने मिली है लोगों से दैट कॉलेज चालू होते ही ख़त्म हो जाता है, एंड सिर्फ 2-3 बिल्डिंग्स है, ग्राउंड नहीं है। सो कॉलेज का ग्राउंड इस कॉलेज के बाहर ऑपोजिट में एक ग्राउंड है, तो एक्सेसिबिलिटी उधर कम हो जाती है। स्पोर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे स्पोर्ट्स होता है, बट इफ़ यू थिंक कि तुम्हें पूरा टाइम ये चीज़ करनी है, तो यहाँ पे उस चीज़ का इतना एक्सपोजर नहीं है, कोचेज नहीं है, सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू लर्न यहाँ पे आके कुछ नया, सो वो सब चीज़ों का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, बट ऐसा नहीं है, पीयर टू पीयर लर्निंग उस चीज़ से बढ़ जाती है, सो दैट इज़ एन अपसाइड कि लोग आपस में ही खेलते हैं, आपस में ही सीखते हैं, सो जो तुमसे अच्छा है वो तुम्हें यहाँ सिखा रहा है। एंड हमारे जो डांस टीचर भी है, दैट इज़ अ DBS का पास आउट। एंड उसके बाद अगर फैकल्टी की बात करूँ, सो फैकल्टी यहाँ पर बहुत अच्छी है,
कुछ कुछ फैकल्टी, ऑफकोर्स हर जगह मतलब सारी फैकल्टी अच्छी नहीं होती है, पर्सनल ओपिनियन है, सो नो ऑफेंस टू एनीवन, बट हाँ कुछ जो फैकल्टी है बहुत ज़्यादा अच्छी है, दे हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, बट द फैक्ट इज़ कि नॉलेज हर कॉलेज में होता है, हर टीचर के पास होता है, इट्स जस्ट कि तुम्हें वो चीज़ निकालने आनी चाहिए, वो चीज़ तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए प्रोफेसर से. So if you are that student who can extract and grab the knowledge, यहाँ पर तुमको बहुत अच्छे professors मिलेंगे जिनके पास not only subject knowledge but उनके पास life के बारे में and people skills, soft skills, ये सब भी बहुत ज़्यादा promote किया जाता है यहाँ पर, that is an upside. So faculty I would give a 9 out of 10 here. बाकी मैंने तुमको location का बताया, so factor that in please if you are planning to join DBS. Apart from this, there are a lot of clubs in DBS. So ये clubs इतने सारे होने के कारण DBS में events बहुत ज़्यादा होते हैं. So इतने सारे active clubs हैं, educational clubs हैं, and उसके बाद sports clubs हैं. So dance, drama, mimicry, singing, ये सब के अलग अलग clubs बने हुए हैं. Then biznocrats हैं, and bulls and bears हैं, dice club है. So these are the active clubs in DBS. सो बिलियनर्स क्लब है जिसका मैं एक मेंबर हूँ, एंड उसके इन रीजंस के कारण डीबीएस में इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. तो इफ़ यू आर समवन जिसको चाहिए कि उसकी कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो और हर वीक इवेंट हो, हर वीक में दो इवेंट, मतलब वीक में दो तीन इवेंट हो, सो डीबीएस इज़ द राइट चॉइस फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे इवेंट्स ज़्यादा होते हैं. एंड आई वुडंट से कि इवेंट्स अच्छे होते हैं, बट इवेंट्स ज़्यादा होते हैं. एंड इफ़ यू गाइस कंपेयर, जो मैं बाकियों से अपने कॉलेज वालों से कंपेयर करता हूँ, पढ़ाई में फ़र्क नहीं आता है, बट इवेंट का जो स्केल होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है. कि यहाँ पे बहुत चेंज होती है, तो यहाँ पे इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिसके कारण तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे DBS बहुत बड़ा कॉलेज नहीं है, बहुत छोटा कॉलेज नहीं है, सो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ उस हिसाब से एम्पल है. मतलब अगर तुम स्मॉल टाउन से आ रहे हो, बिग टाउन से आ रहे हो, यू कैन ग्रूम योर सेल्फ योर, बिकॉज यहाँ पे जो प्रोफेसर्स है दे फोकस अलॉट ऑन पर्सनल बिल्डिंग एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, एवरी थिंग. यहाँ पे उस सब चीज़ों के बारे में तुम्हारा ग्रोथ हो सकता है, बट ओनली इफ़ यू गाइज फोकस ऑन इट. यहाँ पे अगर तुम ऐसे हो कि यू टेक द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, तो तुम्हारे लिए यहाँ जगह है. ऐसा नहीं है जगह सबके लिए है, बट यू गाइज कैन टेक दैट एंड ग्रो. नाउ अगर मैं कॉलेज के एनवायरनमेंट के बारे में बात करूँ, बहुत ज़्यादा ग्रीन है. सो पर्सनली जहाँ से मैं आया हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी देखी है, एंड मुझे पसंद है ग्रीन जगह पर रहना, एंड इसीलिए मैंने ये चूज़ किया. जब मैं सिलेक्ट कर रहा था तो मुझे ये लगा था दैट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी होगी, जिसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया. काफ़ी ज़्यादा ग्रीन कॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा फ्लोरा है. सो ऑन दैट, तो मतलब एनवायरनमेंट कॉलेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है उस चीज़ के कारण. एक हेल्दी ग्रीन एनर्जी होती है, तुम्हारा अराउंड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लगता है. सो नाउ अगर हम लोग कैसे हैं उस पे आएँ, सो ये लोग क्लेम करते हैं दैट यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं. जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, दोज आर फ्रॉम नेपाल एंड भूटान. जो लोग अपना जितनों से मैं मिला हूँ, दे जस्ट वॉन्टेड टू एस्केप देयर कंट्री एंड स्टडी समवेयर इन इंडिया, एंड बिकॉज ऑफ द रीजनल या जो भी जियोग्राफिक सिमिलैरिटीज़ है, इसलिए वो लोग DBS सेलेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज DBS का मार्केटिंग बहुत अच्छा है. हाँ, सो मेरा फ्रेंड कह रहा है फ़ोटो अच्छी दिखाता है. ऐसा नहीं है, आई एम नॉट टोटली क्रिटिसाइजिंग, बट आई एम नॉट टोटली विथ एवरीथिंग दैट हैज़ बीन हैपनिंग. सो या सो देर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी. यहाँ पे साउथ से भी लोग हैं, यहाँ पे सेंट्रल इंडिया से भी लोग हैं, ईस्ट इंडिया से भी लोग हैं, वेस्ट इंडिया से भी लोग हैं. सो इन क्लेमिंग यहाँ डाइवर्सिटी है, DBS इज़ राइट. काफ़ी कम लोग हैं यहाँ पे जो एक्चुअली इंटरनेशनल. सो नेपाल भूटान से भी इतने लोग नहीं आते. इफ़ यू गाइस सी कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, सो दैट इज़ समवेयर नॉट ट्रू, बिकॉज भूटान एंड नेपाल कैन बी कंसिडर्ड एज इंडियंस, दे सिमिलर टू इंडियंस. सो अगर मैं तुम्हें एक बार दिखा दूँ मेरे अराउंड का एनवायरनमेंट, तो तुम वो भी देख सकते हो. लुक, दिस इज हाउ इज द एनवायरनमेंट. ये गजीबोज है, तो यहाँ पे लोग बैठ के चिल मारते हैं, यू कैन सी कि चिल मार रहे हैं, एंड यहाँ पे हूँ मैं. अगेन मैं तुमको एक डिस्क्लेमर दे दूँ दैट ये जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दिस इज़ ऑल माई पॉइंट ऑफ व्यू. एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे को कॉलेज इतना बुरा नहीं लगता, मुझे कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. बट ये सारे इशूज़ हैं जो मैं तुम्हें बिफोर, इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग कि तुम DBS ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसके पहले फैक्टर इन करो अपने डिसीजन में. एंड ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे DBS कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, बिकॉज ये मेरी चॉइस है, एंड आई मेड दिस चॉइस बैक इन 8th स्टैंडर्ड, इन 9th स्टैंडर्ड मे बी.
सो आई वो एक डिफरेंट स्टोरी है दैट आई कॉल्ड इन योर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में दैट आई वांट टू जॉइन आफ्टर 12 आफ्टर 10th सो या आई वांटेड टू जॉइन DVS फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इसीलिए आई डोंट रिग्रेट दिस डिसीजन बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू बिकॉज दे हैव बीन ईदर प्लेड इन टू द मार्केटिंग गिमिक और यहाँ आने के बाद उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा हॉस्टल्स वगैरह का सीन बहुत ज़्यादा ख़राब है कुछ लोगों के हिसाब से बट या एवरीथिंग इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ वॉट यू गाइज चूज अब तुम एक विलेज में रहोगे यू आर डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर लाइफ स्टाइल विच आई थिंक आई वॉन्ट टू एंड करनी चाहिए मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बिकॉज एवरी टाइम तुम एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ एवरी मोमेंट तुमको कोई चीज़ का सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ता एवरी थिंग एवरी विश एवरी डिज़ायर इज़ फुलफिल्ड एंड यहाँ आके वेन यू बी विथ अदर पीपल ऐसा नहीं है ये बाहर कंट्रीज बाहर के कॉलेज में नहीं होता बट यार जितने बड़े बड़े सिटीज़ हैं मुझे उधर इसलिए नहीं जाना बिकॉज वहाँ लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट है वहाँ एक्सेसिबिलिटी टू सीनिक या पिक्चरिस्क लोकेशंस बहुत ज़्यादा कम है सो मैं यहाँ पे माउंटेन्स को एंजॉय करने मैं यहाँ पे घूमने फिरने भी आया हूँ एंड इवेंट को और इनका जो कल्चर है इवेंट्स का मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज ये लोग मैनेजमेंट एक्चुअली इनका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है सो टू सम अप इनका प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत ज़्यादा आई डोंट नो हाउ टू पुट दैट बट हाँ ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करने में बिलीव करते हैं सो या मैनेजमेंट थ्रू एक्चुअली डूइंग द इवेंट्स एंड उसके बाद पोस्ट एनालिसिस ऑफ द इवेंट क्या गलत हुआ एंड देन अगेन डूइंग अ इवेंट कंसिडरिंग कि अभी जो हम मतलब फैक्टरिंग इन जो अभी हमने गलतियाँ करी सो दैट इज़ समथिंग आई लाइक सो पर्सनली मुझे अपनी लाइफ स्टाइल या मैं खुद को एक ऐसे ही कॉलेज में देखता था कहीं ना कहीं जो एक छोटी जगह पर हो एक विलेज में हो मे बी बिकॉज मैं नागपुर से मुंबई जाने का ऑप्शन था बट उससे मेरा लाइफ स्टाइल अपग्रेड होता एंड मेरा माइंड सेट भी अपग्रेड होता डेफिनेटली एंड मुझे खुद से 100 times ज़्यादा बेटर लोग मिलते बट ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ आके नहीं मिले देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ पर एंड दे आर डूइंग इट एंड हर एक जन यहाँ पर अपने एक रीज़न से आया है एक अपना मोटिव लेकर आया है एंड एज हमें जो यहाँ सिखाया जाता है अपना एक विजन लेकर आया है सो यार ये विजन ना छोड़ेगा नहीं पीछा बट हाँ जो मैंने तुम्हें चीज़ें बताई कि यहाँ ये चीज़ें सही नहीं है या ये चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है विच यू गाइस कैन फाइंड बेटर एट सम अदर कॉलेजेस एंड यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें अच्छी हैं जो तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी सो इफ़ यू वांट यहाँ से तुम वीकेंड पे माउंटेन्स पे निकल जाओ वो तुम्हें आई एम श्योर तुम्हें मुंबई दिल्ली में नहीं मिलेगा यहाँ से हाफ एन आवर में हम हिमाचल प्रदेश पहुंच जाते हैं यहाँ से 2 घंटे में हम मसूरी पहुंच जाते हैं यहाँ से 3 घंटे में हम कहीं और बहुत ही अच्छी जगह पर पहुंच जाते हैं हाफ एन आवर में माउंटेन्स तो आ ही जाते हैं या 10 मिनट्स में हम लोग सीधा माउंटेन्स पर पहुंच जाते हैं सो वो सारी चीज़ें ऐड अप करती है तुम्हारे सिटी एक्सपीरियंस को सिटी लाइफ को या तुम्हारे कॉलेज एक्सपीरियंस को आई वुड से सो अब अगर मैं आऊँ कॉलेज के हॉस्टल के ऊपर सो मैं रहता हूँ सत्या हॉस्टल में सो कॉलेज के पास 2 बॉयज़ हॉस्टल है एक है जो इन कैंपस है जिसका नाम SS है एक है जो बाहर है जिसका नाम सत्या हॉस्टल है और गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पे है तीन गर्ल्स हॉस्टल है सो तीनों गर्ल्स हॉस्टल कॉलेज के अंदर ही है और एक फैकल्टी हॉस्टल है ठीक है सो अगर मैं पर्सनली सत्या हॉस्टल की बात करूँ तो देखो अभी मैंने तुमको बताया कि सिटी नहीं है एक विलेज है सो प्रॉब्लम भी वैसी ही है कि अगर तुम कहीं मुंबई में बैंगलोर में या ऐसी जगह रहते हो तो डेफिनेटली तुमको हॉस्टल में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है तुमको कॉलेज लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है बट दोज प्रॉब्लम्स डिफर ही ओवर हियर बिकॉज मुंबई में आई एम श्योर कि तुमको पानी का प्रॉब्लम नहीं आता होगा यहाँ के बिकॉज ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर आता है पानी में आयरन कंटेंट पूरे के पूरे पूरा सेलाकुई में ही वाटर कंटेंट में आयरन ज़्यादा है सो जिसके कारण हेयर फॉल और डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सो वो सारी प्रॉब्लम्स हम यहाँ फेस कर रहे हैं उसके अलावा तुमको मैंने एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बता दिया कि बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है सो अब मैं अगर तुम्हें बताऊं कि DBS में कंपटीशन कैसा है स्टूडेंट को लेके तो ऑन अ पर्सनल लेवल कंपटीशन यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा कम है कंपेयर्ड टू बाकी सारे अदर कॉलेजेस बिकॉज यहाँ पे बहुत ही सिलेक्टेड लोग आते हैं जो देखो मैं बहुत ही फ्रैंकली बताता हूँ तुमको देहरादून में गांजा अच्छा मिलता है देहरादून में वीड अच्छा मिलता है तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा बच्चे वीड करने आते हैं आधे से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे घूमने आते हैं और बचे हुए आधे बस अभी आ गए हैं फॉर नो रीज़न सो
अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो मैंने यहाँ नोटिस किए आर डिस्ट्रैक्टेड एंड नॉट दैट मैं नहीं हूँ बट द डिस्ट्रैक्शंस आर डिफरेंट एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे अलग अलग रीजंस के कारण है एंड यू माइट बी हैविंग योर ओन रीजन फॉर जॉइनिंग या कमिंग टू देहरादून. सो मैं तुम्हें देहरादून क्यों आते हैं वो बता रहा हूँ. बट DBS में पर्सनली कॉम्पिटिशन थोड़ा कम है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा छठे हुए बच्चे यहाँ पे आते हैं. बट हाँ, अगर तुम कोई ऐसे हो जो एक्सट्रोवर्ट है, जो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करता है एंड बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव है, तो यहाँ पे तुम्हें उस लेवल का कंपटीशन नहीं मिलेगा. बिकॉज पर्सनली मुझे भी यहाँ इतना ज़्यादा कंपटीशन फेस करने को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण अगर कुछ अचीवमेंट भी होती है ना तो तुम्हें उतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती है. सो इवन इफ अगर मैं या हमारा टीम कोई इवेंट जीतते हैं या कोई भी चीज़ में हम लोग जीतते हैं, तो ना अभी आके हमें रियलाइज़ हुआ है कि यहाँ पे कंपटीशन ही कम है. सो यहाँ पे जीतने में उतना मज़ा भी नहीं आता. एंड दिस इज़ बहुत ही ज़्यादा ऐसी बात है जो एक स्टूडेंट को ही रियलाइज़ होगी जो मुझसे रिलेट कर सकता है. सो अगर तुम बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव एरिया ढूंढ रहे हो जहाँ पे, बिकॉज कंपेटिटिवनेस अगर होती है तो तुम ज़्यादा ग्रो करोगे. सो अगर तुम वैसा कुछ ढूंढ रहे हो तो वो चीज़ यहाँ पे तुम्हें शायद ना मिले. अब आई डोंट नो, अब तक मैंने ये चीज़ फेस की है. आई डोंट नो आगे किस तरीके के बच्चे आते हैं. हो सकते हैं वो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हो एंड DBS का लेवल ही कुछ और हो जाए. बट दिस इज़ एज पर मी एंड एज पर नाउ वट आई फील कि कहाँ कहाँ DBS लैग कर रहा है. बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ बहुत बुरा है. देर आर कंपेटिटिव पीपल एज वेल. कम लोग हैं बट ऐसे लोग हैं जो अगर तुम्हें टक्कर देंगे तो तुम्हें उनके साथ मज़ा आएगा. एंड एट दी एंड कॉलेज में जिन लोगों के साथ तुम टाइम स्पेंड करते हो, तुम उनके जैसे ही बन जाते हो. एंड वो कोई भी एनवायरनमेंट में हो, कोई भी कॉलेज में हो, आई फील दैट तुम वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आउटग्रो कर सकते हो खुद को. एंड अगर कॉम्पिटिशन नहीं भी है, सो देन द ओनली कॉम्पिटिशन लेफ्ट इज़ यू. So yeah, that is a good thing. So you can compete with yourself कि हमें next time अच्छा करना है. And ये सब चीज़ें यहाँ ख़त्म नहीं होती है. There are a lot more dark aspects to DBS and ऐसी और बहुत सारी stories है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो on video में तुम्हें नहीं बता सकता. So अगर वो सब तुम्हें जानना है before joining DBS, तो make sure तुम मुझे Instagram पे DM करके पूछ सकते हो. और कुछ तुम्हें प्रॉब्लम है एडमिशन को रिलेटेड या और भी कुछ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे बिफोर ज्वाइनिंग, सो अगर उन सब के बारे में कुछ जानना है तो तुम मुझे Instagram पे DM करो. I'll try कि मैं एक स्टूडेंट रिव्यू ले लूँ बिकॉज दिस इज़ जस्ट वन साइड ऑफ इट. दिस इज़ जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ दिस. एंड डोंट बेस योर डिसीजन ऑन मेरा वीडियो. जो भी प्रोज एंड कॉन्स होंगे वो तुम्हें फेस करने हैं. सो मेक श्योर तुम और बहुत सारी रिसर्च करो और बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़ो और बहुत सारे चैनल्स को देखो जिन्होंने इसके बारे में रिव्यू डाला है. एंड अगर कुछ और भी डाउट आता है, आई एम हियर फॉर यू. एंड इफ़ यू आर जॉइनिंग DBS, तुम आओ, फाइंड मी, आई एम हियर, मोस्ट वेलकम. एंड अगर तुम और कोई कॉलेज जा रहे हो तो बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक. आई विश यू सो मच सक्सेस, ग्रोथ. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट. एंड अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक करो एंड कमेंट करके बताओ. एंड जो लोग ऑलरेडी DBS में हैं और मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, सो तुम लोग भी अपने रिव्यूज़ कमेंट करो ताकि जो न्यू बच्चे आने वाले हैं उन लोग को हेल्प हो. एंड आई एम श्योर कि तुम लोग क्या कमेंट करने वाले हो. सो हाँ, शेयर द वीडियोस. हाँ, वीडियो को शेयर करो. जो और लोग सोच रहे हैं तुम्हारे साथ DBS ज्वाइन करने का, उनको बताओ कि DBS के बारे में रिव्यू है. एंड बस ये है कि जो भी हमारे सीनियर्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तुम अपना रिव्यू ज़रूर कमेंट डाउन करो ताकि दूसरे लोग को ये चीज़ हेल्प करे एंड दूसरे एस्पेक्ट्स मिले जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं. सो या दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. मेक श्योर यू कमेंट, मेक श्योर यू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. दिस इज तन्वधान साइनिंग ऑफ. ग्रीन है यार, काफ़ी कॉलेज अपना ग्रीन है, हैपनिंग है, हरियाली बहुत है दोनों तरफ से. ये सब झूठ है.